हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू ट्रेन अवर माइंड, हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। और ये ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न है कि हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी कुछ भी हुआ, मान लो दिन भर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। मान लीजिए कोई आया और किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया और हम अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग की चाबी आपके पास होना चाहिए। कोई दूसरा आपके दिमाग को आके ख़राब कर जाए तो फिर क्या मजा आए। दूसरे लोग तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहें चीज़ों को लेके, है ना। तो अपने को बिल्कुल डिस्टर्ब होना ही नहीं है। जो सामने वाला चाहता है वो उसे दो ही मत। जनरली क्या होता है कि सामने वाला कोई कुछ बोलता है, उसका रीज़न क्या होता है, ताकि वो आपके दिमाग को ख़राब करे। फिर आप क्या, अपन जनरल लोग, अपने को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जैसे मेरे सामने भी कई बार बहुत सारे लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, इससे क्या होगा। तो मैं जी बिल्कुल, और जैसे उसकी बात ख़त्म हुई, मुझे लगा कि इस बात का कोई सार मुझे लेना चाहिए, तो वो मैं ले लेता हूँ जो मेरे काम की है। बाकी मैं उसी टाइम पे उसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अपने कोई दिमाग कोई वो डस्टबिन तो है नहीं कि किसने जिसने जो भी कहा सब अपन इसमें डालते रहे। तो इसमें वही चीज़ अपन को पुट करना है जो हमारे काम की है, है ना। अगर आपको लगता है कि ये आदमी हमेशा फालतू की बात करता है तो उससे हमेशा दूर रहें। आपको लगता है कि यार ये आदमी मुझे मोटिवेट करता है, हमेशा अच्छी बात करता है, उससे हमेशा संपर्क बनाए रखें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि दूसरे लोग आके अपना दिमाग ख़राब कर जाएँ, मतलब क्या मतलब है उस चीज़ का, बताइए आप। आपकी दिमाग की चाबी होनी चाहिए आपके पास, आपका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। कोई दूसरा आके कुछ भी कह जाए, कई बार क्या होता है कि जीवन में कई सारी चीज़ें होती रहती है तो उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने चेतन मन से बात करिए। चेतन मन दो प्रकार के मन होते हैं, मन अवचेतन और चेतन। जो चीज़ अवचेतन में बैठ जाती है हमको लगता है वो सही है ना। जैसे कि हमारे अवचेतन में बैठ गया कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो ये अब बैठ गया दिमाग, हमको लगता है नहीं पैसा यूँ आ रहा क्या, तो हम पैसे को क्या है कि बिल्कुल ऐसा रखते हैं। पैसे को ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बिठाया गया कहीं ना कहीं कि पैसा कमाना बड़ा कठिन होता है, पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो वो हम अगर चाहते भी होंगे तो नहीं मिलेगा हम। तो अपने चेतन मन से आप बात करिए कि मेरा गुस्सा करना जायज़ है या इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, है ना। किसी ने कुछ कहा तो क्या वो बात मुझे लेना चाहिए। तो ये चीज़ जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको चीज़ें रियलाइज़ होगी कि यार मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ये चीज़ बाधा है एक तरह से। तो मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी चाहिए या छोटी मोटी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोग मुंह चढ़ा के बैठते हैं, कई कई को मैंने देखा, तीन दिन तक उनका मुंह नहीं उतरता है। और उस सेंस क्या निकला उस चीज़ का, बोले कुछ भी नहीं, कोई प्रॉफिट हुआ आपको, बोले कुछ भी नहीं हुआ, बस चढ़ाया था, अपना मुँह था, चढ़ा लिया, चढ़ा लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक सलाह देना है आपको कि क्या होता है कि हैप्पीनेस सैडनेस दोनों आपके अंदर से आती है, है ना। आप अगर सैड हैं तो वो कोई दूसरा आपको सैड नहीं कर सकता जब तक आप खुद सैड नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरे लोग क्या बात करते हैं ये उनका दिमाग है, ये उनका परसेप्शन है, ये उनकी थिंकिंग है। सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। आप अगर ये सोचो कि हर इंसान मेरे जैसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें मैच नहीं हो सकती। लाभ हानि, शुभ अशुभ दोनों चीज़ें चलती है ना। भगवान होते हैं तो राक्षस भी होते हैं, तो वो वाली बात है। तो इसलिए ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि मुझे कब गुस्सा करना है और इस गुस्से और पहली बात क्यों करना है, नहीं करना है, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है। और हमेशा अपने अवचेतन तक ये बात पहुँचाइए कि मैं फालतू की बकवास अब नहीं करता हूँ, मैं फालतू की बातें नहीं सुनता हूँ, मुझे अब गुस्सा नहीं आता है, अब मैं हैप्पी रहने लगा हूँ। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएंगे जब आप खुद से कहेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हर चीज़ में मज़ा आ रहा है ना। जैसे पत्ते हिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मैं हिला रहा हूँ, इनको हवा नहीं चल रही, ठीक है। खुशी हैप्पीनेस अंदर से आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने सब ला रखा है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, है ना। वो आपको तब हैप्पीनेस देगी जब आपका माइंड बिल्कुल क्लीन होगा चीज़ों को लेके। ऐसा मत समझिए कि मेरे पास बड़ा घर होगा तो ही मैं खुश होऊंगा। खुश होंगे तब जाके बड़ा घर आएगा। जब आप खुश होंगे तो आपके पास कार आएगी, लेकिन जब आप अभी से दुखी है चीज़ों को लेके तो वो चीज़ें क्या है, अपने आप नहीं आती है। इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ता है, और अट्रैक्ट करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल होना चाहिए काम, शांत। जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं, जब आप हैप्पी फील करते हैं, तब जाके आपकी तरफ वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो बस उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोचूंगा तो आएगा। सोचना नहीं होता है, फील करना होता है, ठीक है, एहसास की बात रहती है। तो बात होती है एहसास की, फीलिंग्स की, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि उनको लगता है कि केवल मैं सोचूंगा चीज़ों को, अगर मैं सोचूंगा
तो मेरे साथ वो होने लग जाएगी। यार मैं तो सर कब से सोच रहा हूँ, मैंने तो कॉपी में भी तो लिख ली थी उसको, मैंने तो 10 साल पहले कॉपी में लिख ली थी। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इसे कॉपी में आप लिख लेंगे कि मेरे पास में मेरी जॉब लगेगी, ठीक है, मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। जो आप चाहते हैं उसे आपको फील करना पड़ेगा। आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको फील करना पड़ेगा अभी से कि आई एम अ रिच पर्सन, मैं रिच हूँ, ये फील करना पड़ेगा। तो उस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बात होती है वो भावना की होती है, जो फीलिंग्स की होती है। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप दिन भर गुस्सा कर रहे हैं, इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे पास में अभी जो है मेरी जॉब लगने वाली है 1 साल बाद, और दिन भर आपका दिमाग तो बस गुस्से में, ये हो गया ना, वो हो गया ना, दूसरे लोग आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं कहीं दूसरे ने कुछ कह दिया कि मान लो मेरे को किसी ने कह दिया कि कुछ नहीं आता इसको, है ना, अब वो बात मैंने सुनी तो मैं उस पर रिएक्ट दूंगा। इतना अपन इतने मूर्ख तो है नहीं कि अपन उस, अब किसने बोला, क्या बोला अपने को, और बोला भी है तो बोला, ये उसका मैटर है, अपना नहीं है भैया। अपना मैटर है कि अपने को अपना काम अच्छा करके देना है, ठीक है। तो ये रहते, ये होना चाहिए। लेकिन हम क्या होते हैं, किसी दूसरे, उसने ऐसा बोल दिया मेरे बारे में, ऑब्वियसली बोलेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि लोग आपकी आलोचना करेंगे। सबसे पहले आलोचना होती है, सबकी आलोचना होती है ना। तो बस आज का यही था कि ट्रेन योर माइंड, आपके माइंड को आप ट्रेन करिए और हमेशा हैप्पी हैप्पी फील करिए। तो जब आप हैप्पी फील करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर आप, मतलब मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मेन चीज़ रहती है वो रहती है फीलिंग की। आप कैसा फील कर रहे हैं ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, एहसास की बात होती है। थैंक यू, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। हवा नहीं चल रही आज, पत्ते हिलो रहे, पत्ते यार नहीं हिल रहे यार, नहीं हिल रहे, मैं हिला लूँगा, देखो ऐसा लग रहा है जैसे हवा चल रही है, चलने लगी है हवाएं हैं। और क्या था वो आगे, सागर भी लहराएं, अभी सुनूंगा गाना, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।